आज ओडिशा आसबे केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव दिनिकिया गस्तर आसबे रेलमंत्री हावड़ारू ट्रेन जोगे बांगिरी पोषी जाए राष्ट्रपति कार्यक्रम में जोगदे अश्विनी वैष्णव यापर पुणी बांगिरी पोषी ट्रेन जोगे बालेश्वर स्टेशन पहुंची सेठी फुटओवर ब्रिज उद्घाटन करेंगे। यापर से पुणी बालेश्वर स्टेशन ट्रेन जोगे कटक स्टेशन पहुंचे कटक रेलवे स्टेशन में द्वितीय गेट उद्घाटन करेंगे। अधिक आलोचना सीधासख आपण को कटक नहीं जाऊ से आम सहित कटक ब्यूरो हेड इमरान खान आम सहित जोड़ी होती। इमरान कटक केते प्रस्तुत रेलमंत्री आसुंच कि भाव में सुरक्षा व्यवस्था रही पूरा व्यवस्था किभली रही कर्मी मैंने के उत्साहित रही देखो। आज अपराह्न पाखापाखि पांचटा समय केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कटक को आसबे और से ट्रेन जोगे आसबे बालेश्वर कटक पहुँचे और कटक स्टेशन पहुँचा पर कटक जो पूर्व पार्श्वर गोटे विशालकाय जो नूतन प्रवेश पथर निर्माण कर तार से शुभ उद्घाटन करेंगे। पाखापाखि 15 कोटी टंका खर्च कर पूर्व पार्श्व प्रवेश पथर ये निर्माण जदि आप देखिए निर्माण मुझे दृश्य देखेबी कि पूर्व कि सूचना देवी जो यही पूरा प्रवेश पथर टी कोटना कोटी विमान बंदर पूरा सदृश भाई ये भ्रमण सृष्टि कर कैमेरा पर्सन गौतम को अनुरोध करेंगे से पूरा दृश्य आपको देखेबे। ये हूँ देखो जो पूर्व पार्श्वर जो प्रवेश पथ वर्तमान निर्माण कर शुभ उद्घाटन करेंगे केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज अपराह पांचटा समय पाखापाखि 15 कोटी टंका खर्च कर सब बड़ सुविधा कथा जे यही प्रवेश पथ को जो मैंने यात्री मैंने आसबे यात्री मैंने किपर सुरखुरी स्टेशन आसीपारे टिकेट काउंटर टिकेट नहीं पारे और ट्रेन जात्रा करेंगे यात्री मान समस्त सुविधा सुजोग को दृष्टि रखिकी यही प्रवेश पथर निर्माण करजपथ रही जातीय राजपथ 16 नंबर 16 जातीय राजपथ 16 रु स्टेशन पाखापाखि दूरता अच्छी मात्र 100 रु 150 मीटर मध्य हम एवं यार मध्य जदि आप देखिए स्टेशन रो सौंदर्यीकरण जो करा ये पूरा पूरी भाव में कोटना कोटी विमान बंदर भ्रमण सृष्टि कर लोक मानक बेस आकृष्ट कर देखुए राजपथ रही है जातीय राजपथ रु मात्र 150 मीटर दूर यही स्टेशन प्रवेश पथर दूरता रही है। ये जातीय राजपथ रही है ओमपी और चाड़ियागंज जो पाखापाखि लोक मैंने से जो जातीय राजपथ अच्छी चाड़ियागंज थाना पाखापाखि 50 मीटर दूरतार रही जातीय राजपथ और ये जातीय राजपथ देखिए प्रत्येक दिन हजार हजार संख्यार बड़ बड़ ट्रक ठू आरंभ करके ट्रैक्टर ठू आरंभ करके बस ठू आरंभ करके विभिन्न भारीजान चलाचल करते लोक चलप्रचल बेस अधिक रही है और ये जातीय राजपथ गोटे केन्द्रबिंदु बर्तमान पलट समस्त जात्री जो मैंने ट्रेन जात्रा करने रेल जात्रा करने जो मैंने कटक स्टेशन को आसबे से एक सब बड़ सुवर्ण सुजोग रही कहीं जातीय राजपथ देखिए प्रतिदिन हजार हजार संख्यार जितकी सब बस चले आप देखिए भुवनेश्वर ठू आरंभ करके कलिकता पर्यंत विभिन्न समय 24 घंटा बड़ बड़ गाड़ी बाहरी जाने सब चलपचल करता है लोक मैंने जाति मैंने यातायात करता कि जो स्थान में बर्तमान जेहेतु स्टेशन टी जो प्रवेश पथ निर्माण कर कटक रेलवे स्टेशन रि जो जात्री मैंने सब आसबे सीधा सड़क भाव से बस से ओह्ल से मुख्य द्वार पाखे से ओह्ल से चली चल कि सीधा सड़क 100 मीटर दूर को स्टेशन मिल कटक रेलवे स्टेशन जदि आप देखिए स्टेशन को निर्माण करने अनेक अनेक प्रकार जदि आप देखिए सब भितर सब विभिन्न प्रकार प्रक्रियाकरण सब निर्माण करम अच्छा आज्ञा संध्या 5टा बेले आज मंत्री आसबे रेलमंत्री उद्घाटन करेंगे जातीय राजपथ ठू पूरा पाखे अच्छे ये प्रवेश के सुविधा मिले जात्री मान राजमानी बहुत भल सुविधा मिल स्पेशली आमर जो महानदी बाहर आम 5 मिनट ये पहुँची जब जितने सब चलप्रचल करते बस बहुत बहुत सुविधा हो गया वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग आउ बहुत फैसिलिटी भल अच्छी एयरपोर्ट भाया है बहुत भल कथ वरिष्ठ नागरिक थे से खुशी व्यक्त करते जे विमान बंदर पर ये भ्रमण सृष्टि कर जो लोक मैंने अच्छा आखपाख लोक आरंभ करके जो मैंने दूर दूरातर आठ यातायात करने सब बेस मैंने सहायक हम जेहेतु यहाँ पूरा पूरी भाव में पाखे रही अधिक समय मैं लोक मैंने संचय करें जो भितर दृश्य मुझे आपको बर्तमान देखेबी ए भितर अनेक प्रकार सौंदर्यीकरण मत भर कर जहाँ पूर्व जड़े वरिष्ठ नागरिक जन कहते विमान
ବନ୍ଦର ପରେ ଭ୍ରମଣ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ତା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି, ଇନକ୍ୱାରି କାଉଣ୍ଟର ତା ଭିତରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏ ପୁରା ସେମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ପୁରା ଶୀତତାପ ପୁରା କହିପାରିବା ଯେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ଏ ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ଲାଗିଛି ୟା ଭିତରେ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସି ସହିତ ଏସ୍କାଭେଲେଟର ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି। ତ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ବି ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ IRCTC ତରଫରୁ ଏଠି ଫୁଡ଼ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଉଥିବେ जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।